नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। खबर बाड़मेर जिले के गुड्डामालानी से है, जहां अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार गुड्डामालानी थाना परिसर में पुलिस उप अधीक्षक शुभकरण खींची एवं थाना प्रभारी मूलाराम चौधरी के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सीएलजी बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक शुभकरण खींची ने कहा कि बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए सभी सावधानी बरतें, साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। व्यापारियों को खासकर ध्यान रखना है कि आप खुद मुंह पर मास्क पहने तथा ग्राहकों को भी मास्क पहनने की हिदायत दें। ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस का टीका लगवाएं। सीएलजी सदस्य भी लोगों को जानकारी पहुंचाएं। थाना प्रभारी मूलाराम चौधरी ने कहा कि आमजन नियमों का पालन करें तथा सभी सीएलजी बैठक में आए सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सीएलजी सदस्यों ने बढ़ते समय के नशेड़ियों एवं समय को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में भवर हनुमंत सिंह, दुर्गादास वैष्णव, हुक्मराम आचार्य, मुकेश जैन, खीमराम सासी, ओम प्रकाश मांझू, गफूर खान, रमजान खान, ओम प्रकाश कासी, रण सिंह, बाबूलाल माली, सवलाराम माली आदि सहित सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। गुड्डामालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 11/4/2021 को पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा निर्देश दिए गए कि कोरोना से बचाव के लिए सीएलजी सदस्यों को जागरूक किया जाए, जिस संबंध में आज पुलिस थाना गुड्डामालानी में बैठक का आयोजन किया गया। सभी सीएलजी मेंबर उपस्थित हुए, जिन्हें कोरोना के बचाव के लिए जागरूकता लाने के लिए हिदायत की गई, और तो सभी सदस्यों ने इसमें पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। और सभी सदस्यों को बताया गया कि अनावश्यक रूप से लोगों को बताया कि घर से नहीं निकलें, निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें।